सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के फैंस को आखिरकार खुशी मनाने का मौका मिल गया है। जी हां, सुनील ग्रोवर जल्द ही नए कॉमेडी शो के साथ छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं और उनका ये नया शो कृष्णा अभिषेक के ड्रामा कंपनी को रिप्लेस करेगा। जी हां, एक सोर्स के हवाले से दावा किया गया है कि सोनी टीवी की ओर से सुनील ग्रोवर से बात की जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सुनील ग्रोवर के नए शो की लाने की बात फाइनल हो चुकी है और ये शो ड्रामा कंपनी को रिप्लेस करेगा। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये पहले से ही तय था कि ड्रामा कंपनी शो को सिर्फ कुछ ही एपिसोड के लिए ऑन एयर किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक ड्रामा कंपनी शो ऑफ एयर हो जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुनील ग्रोवर का ये शो एक नॉन फिक्शन कॉमेडी शो होगा। कपिल शर्मा के शो की क्रिएटिव डायरेक्टर रही प्रीति साइमोस सुनील ग्रोवर को वापस छोटे पर्दे पर ला रही हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि सुनील ग्रोवर के नए शो के प्रोजेक्ट को प्रीति साइमोस ही हैंडल कर रही हैं। बता दूं कि सुनील ग्रोवर के साथ हुए विवाद के बाद से ही ये दावा किया जा रहा था कि सुनील ग्रोवर अपना नया कॉमेडी शो लेकर आएंगे। हालांकि सुनील उस वक्त यही कहते रहे कि उन्हें लाइव इवेंट करने में ही मजा आ रहा है। कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर से कई बार कहा है कि वो शो पर वापस आ जाएं, पर सुनील ग्रोवर ने उनके शो पर वापस आने से मना कर दिया। बता दूं कि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट से सामने आया है कि कपिल शर्मा भी अब ठीक हो गए हैं और अब वो जल्द ही अपने शो के साथ वापस आने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बहुत जल्द ही एक ही साथ काम करने वाले दो कॉमेडियंस के बीच एक ही चैनल पर टक्कर देखने को मिलेगी और ये देखना मजेदार होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।